करती हूँ, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरा भरा डोसा। डोसा बनाने की रेसिपी मैं पहले भी एक बार अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, लेकिन ये हरा भरा डोसा है। और मेरे कई व्यूवर्स का मैसेज आ रहा था कि आप और भी तरीके के डोसा बताइए, तो आज मैं बना रही हूँ हरा भरा डोसा। तो चलिए हरा भरा डोसा बनाते हैं, आइए मेरे साथ। हरा भरा डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए चना की दाल, चावल और मेथी दाना। हम इसमें उड़द की दाल नहीं ली है, हमने सिर्फ चने की दाल ली है और हमने इसमें चावल लिया है। आप चाहें तो उड़द की दाल भी ले सकते हैं। और उसके साथ लिया है हमने पालक, हरी मिर्च, अदरक। पालक को हमने काफ़ी अच्छे से साफ़ करके काट कर काफ़ी अच्छे से धो लिया है। दाल और चावल दोनों, मेथी दाना तीनों को हमने 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद पालक के साथ हरी मिर्च और अदरक के साथ पीस कर फ्रिज में रख दिया। इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने फ्रिज में से निकाला, रात भर फ्रिज में रखा था, सुबह को फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख लिया 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम इसके डोसे बनाएंगे। हमने इसमें नमक मिला लिया है और कुछ नहीं डाला। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हींग या कोई मसाला मिला सकते हैं। क्योंकि मैं चटनी और सांभर बनाया है तो मैं इसको सिंपल ही रखा। तवे पर हम थोड़ा सा पहले तेल लगाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा पानी डालेंगे और एक कपड़े से पोंछ देंगे। उसके बाद तेल नहीं लगाना है। पानी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें तवे का टेम्परेचर डाउन रख करना होता है। और ये तवा नॉन स्टिक नहीं है, सिंपल तवा है जिस पर मैं रोटी बनाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा डोसा बना है। और मैं डोसा बनाने की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से बन जाता है। तो आप दाल, चावल और मेथी दाना को 5-6 घंटे भिगो दीजिए। उसके बाद पालक, हरी मिर्च, अदरक के साथ पीस लीजिए और पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अगले दिन उसको निकाल के 5 से 6 घंटे बाहर रखिए। फिर नमक मिला दीजिए उसमें और बस तवे पर फैला दीजिए। इतने अच्छे डोसे बनेंगे, आप हर बार यही डोसा बनाकर खाएंगे। आप इसमें चाट मसाला मिला सकते हैं, आप चाहें इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और हरा धनिया भी इसके साथ पीस सकते हैं, पुदीना पीस सकते हैं। इतने तरीके के आप इसमें सब कुछ डालकर पीस कर बनाएंगे, ये इतना ही टेस्टी लगेगा। मैं चेंज कर करके बनाकर डोसा बनाती रहती हूँ। और ये देखिए मैं इसको दोनों साइड से सेक रही हूँ चीले की तरह, क्योंकि खाली चटनी के साथ खाना है ये वाला चीला। तो मैं इस तरह से बनाती रहती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। जय माता दी फ्रेंड्स।